हेलो दोस्तों, तो आज हम बनाएंगे मदर्स डे पे एक स्पेशल सी मिठाई जो आप भी अपनी मम्मा के लिए बना सकते हैं घर पे ही। तो उसके लिए हमें चाहिए होगी शक्कर, और ये खोया है, और बारीक कटी हुई बादाम, बारीक कटी हुई काजू, और ये है इलायची पाउडर, जो लाल वाली इलायची आती है। अगर लाल वाली ना हो तो आप सफ़ेद वाली इलायची ले सकते हैं। कढ़ाई को हमने गैस पे रख दिया है, कढ़ाई में हमने खोया डाल दिया है। अब इसको कंखली की सहायता से इस तरीके से भूनेंगे। खोया को अच्छे से भूनना है हमें इस तरीके से। खोया हमारा अच्छे से पिघल गया है, अब इसमें शक्कर डालेंगे। शक्कर आप जितना खोया हो उसके अकॉर्डिंग आप शक्कर ले सकते हैं। मीठा खाए तो मीठे के हिसाब से, और कम मीठा खाए तो कम उसके हिसाब से। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और शक्कर को गलने देंगे। देखिए दोस्तों, शक्कर हमारी अच्छे से गल चुकी है, और इसी तरह से हमें चलाना है। और अभी ये कच्चा है, अभी पका नहीं है, खोया अच्छे से पकाना है। देखिए कितना अच्छे से हमारा तैयार हो गया है, और गैस को हमने कर दिया है बंद। अब इसको हल्का ठंडा होने के लिए रख देते हैं। बेटर हमारा हल्का ठंडा हो गया, इसमें डालेंगे इलायची पाउडर, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने जो काजू और बादाम को बारीक काट के रखा था वो डाल देंगे इसमें और मिक्स कर लेंगे। काजू बादाम तो हमारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम एक थाली लेंगे, थाली हमने ले ली है। अब हम इसमें लगाएंगे देसी घी, ताकि हम बर्फ़ी जो इसमें डालें वो चिपके ना, आसानी से निकल आए। अब हमने थाली में देसी घी लगा लिया था, अब हम इसमें अपना बैटर डालेंगे। देखिए कितने आराम से हमने इसमें कर लिया है। अब जो बारीक कटे हुए काजू बादाम थे वो हम ऊपर से डालेंगे, इस तरीके से डालेंगे, ताकि ये काजू और बादाम बर्फ़ी में अच्छे से अंदर मिल जाए। हाथों की सहायता से अच्छे से इसमें दबा देने हैं काजू और बादाम। अब इसको हम फ्रिज में 1 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं, ताकि ये अच्छे से जम जाए। बर्फी हमारी कितनी अच्छे से जम गई है, अब हम इसके पीस काटेंगे। तरीके से बर्फी की पीस की हम कटिंग करेंगे। देखिए देखिए इस तरीके से काटनी है, और बहुत ही टेस्टी लग रही है देखने में, और खाने में तो बहुत अच्छे जायका आएगा। और आप भी मदर्स डे पे अपनी माँ के लिए ज़रूर ये बर्फ़ी बनाएं, आपकी माँ बहुत खुश हो जाएंगी जब आप उन्हें ये ऐसा सरप्राइज़ देंगे। देखिए कितना अच्छा हमारा पीस लग रहा है। अब सारे पीस हम प्लेट में निकाल लें। सारे पीस हमने प्लेट में अच्छे से निकाल लिए हैं, और देखिए हमारी बर्फ़ी कितनी अच्छी लग रही है, और ज़्यादा इसमें टाइम भी नहीं लगता है। आप 10 या 15 मिनट लगेगा, आराम से आपकी रेसिपी तैयार हो जाएगी, और घर पर ज़रूर ट्राई करें। और 14 तारीख को मदर्स डे है, अपनी माँ को ज़रूर ये बर्फ़ी बनाकर खिलाएं, बहुत ही अच्छी लगेगी और आपकी तारीफ भी बहुत होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।